अगली खबर में हम बात करते हैं जोधपुर की, जहां पानी की बोतल नहीं देने पर बदमाश ने एक के बाद एक तीन फायर कर दिए। शॉप मालिक के नीचे झुक जाने से गोली काउंटर पर जा लगी। घटना बुधवार को जोधपुर के लोहावट में हुई। बदमाश के फायरिंग का लाइव वीडियो भी सामने आया है। जाटाबास चौराहे पर कैलाश प्रजापत नाम के युवक की मिठाई की शॉप है। कैलाश ने बताया कि वह दुकान पर बैठा था, इस दौरान विशाल खीचड़ आया और पानी की बोतल मांगी। उसकी पहले से दुकान पर कुछ उधारी चल रही थी। पुरानी उधारी के रुपए मांगे तो वह भड़क गया और जेब से पिस्तौल निकालकर सिर पर तान दी। कैलाश ने बताया कि कुछ समझ पाता इससे पहले विशाल ने तीन फायर कर दिए। गनीमत रही कि दुकानदार ने सिर को पीछे झुका लिया और गोली काउंटर में जा लगी। फायरिंग में काउंटर के कांच टूट गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर एएसपी फालोदी अरुण माचा, एएसआई सैतानाराम पवार के नेतृत्व में पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। घटनास्थल से गोली के खोल बरामद कर दुकान में लगे सीसीटीवी के फुटेज निकालकर बदमाश की पहचान की गई है। बदमाश की तलाश में कस्बे में कई जगह छापेमारी की। कैलाश प्रजापत ने बताया कि विशाल पहले भी फायर कर चुका है। चौराहे पर मिठाई की शॉप के अलावा इसी इलाके में एक और दुकान है। दोपहर में फायरिंग करने के बाद विशाल वहां भी गया था, वहां भी उसने दो फायर किए थे। इसके साथ वहां काम करने वाले कर्मचारियों को धमकाया कि यहां काम किया तो गोली मार दूंगा। इसके बाद बदमाश वहां से भाग निकला। विशाल खीचड़ लोहावट पुलिस थाने का हिस्ट्री सीटर बदमाश है। मारपीट व तस्करी के मामले में वह तीन बार जेल भी जा चुका है। उसके खिलाफ कई मामले लंबित चल रहे हैं। आपसी झगड़े में एक बार उसकी टांग भी टूट गई थी। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।